हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस डिजाइन के बारे में। हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारे पास आज का डिजाइन है जिसके अंदर हमारे पास डिजाइन जो हमने किया हुआ है वो फ्लैट के पर्पज से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में हमने इसमें 2 BHK का फ्लैट रखा हुआ है, बाकी हमने इसमें पूरा हॉल डिजाइन किया हुआ है। और हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में हमने इसके अंदर 2 BHK के 2 फ्लैट इसमें हमने डिजाइन किए हुए हैं। तो टोटल हमारे पास इसमें 3 फ्लैट हैं। और ये जो हमारा प्लॉट का साइज है, टोटल प्लॉट हमारे पास 41 फिट वाई, इसकी जो चौड़ाई है वो 41 फिट की है। और यदि हम इसकी गहराई की बात करें तो 54 फिट इसकी गहराई है। तो ये हमारे पास अपना एक डिजाइन है जो कि हमारा एकदम लेटेस्ट हमारा मॉडल है, लेटेस्ट हमारा डिजाइन है। तो इसी डिजाइन के 3D मॉडल के बारे में इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं फ्रेंड्स इस डिजाइन के 3D मॉडल की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना 3D में डिजाइन है, 3D मॉडल है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे पास का फ्रंट है जो कि हमारे पास से 41 फिट बाई 54 फिट का इसका ये फ्रंट है। ये हमारे पास की लेंथ रहने वाली है, ये हमारे पास की लेंथ रहेगी जो कि हमारे पास 54 फिट की है। इसको फ्रेंड्स हमने फ्रंट से डिजाइन किया है जो कि हमारे पास फ्रंट से पूरा कम्प्लीट डिजाइन रहेगा। इसको हमने राइट साइड से भी कम्प्लीट डिजाइन किया हुआ है, ये हमारे पास इसका राइट साइड का डिजाइन रहेगा, आप इसको राइट साइड से भी देख सकते हैं। और ये हमारे पास रहने वाला है इसका बैक साइड, ये हमारे पास का बैक साइड रहेगा, ये हमारे पास बैक साइड वाला पोर्शन है। तो ये हमारे पास अपना बैक साइड का डिजाइन रहेगा, ये हमारे पास रहने वाला है इसके राइट साइड का डिजाइन, और ये हमारे पास रहने वाला है इसके फ्रंट साइड का डिजाइन, ये हमारे पास इसका फ्रंट व्यू रहेगा। ये जो फ्रेंड्स हमारा डिजाइन है, यदि हम अपने डिजाइन में इसमें इसकी फिनिशिंग की बात करें तो इसमें हमारा जो वर्क हुआ है वो इसमें हमारा टाइल में वर्क हुआ है, पेंट फिनिश में वर्क हुआ है, टेक्सचर पेंट में वर्क हुआ है। यही हमारे पास इसमें 3 चीज़ें हमारी यूज हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास में टाइल की फिनिशिंग है, ये हमारे पास अपना पेंट फिनिश है, और यहाँ पर हमारे पास ये टेक्सचर पेंट में हमारा ये वर्क हुआ है, और अंदर भी हमने इसमें ग्रूविंग में ये हमने वर्क किया हुआ है। तो ये हमारे पास का बैक साइड वाला पोर्शन है, बैक साइड में हमने MS की रेलिंग का यूज किया हुआ है। ये हमारा इसके राइट साइड का पोर्शन है, राइट साइड में देखेंगे कि हमारे पास में ग्लास की रेलिंग का यूज हुआ है। और ये हमारे पास के फ्रंट साइड का पोर्शन है, फ्रंट साइड में भी हमने ग्लास की रेलिंग का ही यूज किया हुआ है, साथ में हमने इसमें CNC कटिंग में जाली का ये डिजाइन दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये फ्रेंड्स हमारे पास का एलिवेशन डिजाइन है। और ये रहने वाला है इसके ममटी का डिजाइन, ये हमारे पास अपना इसका ममटी का ये डिजाइन रहेगा, ये हमारा ममटी का डिजाइन है। अब फ्रेंड्स हम आपको लेकर चलते हैं इस डिजाइन के अंदर के 3D प्लानिंग की तरफ। ये हमारे पास अपने घर का अंदर का 3D प्लान है फ्रेंड्स। ये हमारे पास आप देखेंगे हमारे घर की जो एंट्री है वो फ्रंट से है, फ्रंट से हमने इसमें एंट्री दी हुई है। फ्रंट से हमने एंट्री के जस्ट आगे ही हमने यहाँ पर अपनी पार्किंग का पोर्शन रखा हुआ है जिसमें हम अपनी कोई भी कार यहाँ पे पार्क करा सकता है। एक बड़े साइज का हमारे पास अपना ये पार्किंग का स्पेस है। बाकी हमारे पास इसमें आप देखेंगे जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट में हमने इसमें 5 फिट 6 इंच का स्पेस ओपन रखा हुआ है। राइट साइड में हमने 3 फिट 6 इंच का स्पेस ओपन रखा हुआ है। और जो लेफ्ट साइड है, सॉरी बैक साइड है, बैक साइड में हमने इसमें 3 फिट का स्पेस ओपन रखा हुआ है। तो 3 साइड से हमने इसमें स्पेस रखा हुआ है जिससे हम अपने सभी रूम्स के लिए, टॉयलेट, किचन, बाथरूम, गेस्ट रूम सभी के लिए एक प्रॉपर लेवल का इसमें हम वेंटिलेशन दे सकें। तो इसके फ्रंट में भी ओपन है, बैक साइड में भी ओपन है, राइट साइड में भी ओपन है, सिर्फ लेफ्ट साइड में ही हमारा ये क्लोज हमारा रहने वाला है। तो ये हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान है। इसमें आप देखेंगे हमारे पास अपना पार्किंग है, फ्रंट में फ्रेंड्स हमारे पास ये गार्डन है, ये हमारे पास अपना पूरा हॉल रहने वाला है अपने ग्राउंड फ्लोर पे। ये हमारे पास रहने वाला है अपने बैक साइड में 2 BHK का फ्लैट रहने वाला है। इसमें आप देखेंगे जो हमारे पास बैक साइड में 2 BHK का फ्लैट है ये हमारा, इसमें हमारी जो एंट्री होने वाली है वो हमारे इस डोर से होने वाली है। ये हमारा एंट्री डोर रहेगा, इस एंट्री डोर से जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारी एंट्री इस लॉबी में होने वाली है, ये हमारा लॉबी रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है अपना टॉयलेट का डिजाइन, ये हमारे पास अपना टॉयलेट रहेगा। टॉयलेट के अंदर हमने वादिंग एरिया को और टॉयलेट शीट दोनों को इसके अंदर हमने कंबाइंड ही रखा हुआ है। यहाँ पर हमें बेडरूम मिलने वाला है, ये हमारा बेडरूम का डिजाइन रहेगा। बेडरूम के अंदर हमें यहाँ पर एक विंडो भी मिलेगा, तो इस विंडो से ही हमारा अपने इस बेडरूम का भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना बेडरूम का फ्रंट से डिजाइन रहने वाला है। यहाँ पर हमारा किचन का डिजाइन रहने वाला है, ये हमारा किचन रहेगा। किचन के अंदर भी हमें यहाँ पर एक विंडो मिलेगा, तो इस विंडो से ही हमारे अपने इस किचन का भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है अपना ये सेकंड बेडरूम का डिजाइन, ये हमारा सेकंड बेडरूम होगा। और इस बेडरूम के अंदर हमें मिलने वाली है 2 विंडो, तो दोनों विंडोज से हमारा अपने इस बेडरूम का भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। बाकी फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मिलने वाला है अपना ड्राइंग रूम का डिजाइन, ये हमारे पास अपना ड्राइंग रूम रहेगा, मीन्स की गेस्ट रूम रहेगा। गेस्ट रूम में हमारी एंट्री इसी लॉबी से रखी हुई है, तो ये हमारे पास अपना एंट्री डोर रहेगा जो कि हमारा गेस्ट रूम के अंदर जाने के लिए रहेगा। और गेस्ट रूम में हमें यहाँ पर एक विंडो भी मिलेगा, तो इस विंडो से ही हमारे अपने इस गेस्ट रूम का भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर पे 3D प्लान है। बाकी हमारे पास पूरा ही पोर्शन
ओपन हॉल हमारे पास रहेगा, ये हमारा पूरा ही हॉल रहने वाला है। इसमें हमारे पास यहाँ पर ये दो से तीन हमने विंडोज़ में रखी हुई हैं, तीन विंडोज़ का हमारे पास इसमें प्रोविजन ये मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स हम आपको लेकर चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारे पास अपने फर्स्ट फ्लोर का 3D प्लान है, तो फर्स्ट फ्लोर पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास अपना स्टेकेस का डिज़ाइन है, ये हमारा स्टेकेस रहेगा। स्टेकेस के थ्रू अपने फर्स्ट फ्लोर पर जब आएंगे तो हम एंट्री जो करेंगे वो हमारी इस लॉबी के अंदर हमारी एंट्री होगी, ये हमारे पास अपना लॉबी का डिज़ाइन होगा और इसी लॉबी में हमारी एंट्री होने वाली है। ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना जो लॉबी है, इस लॉबी से हमने फ्रंट में एक पोर्शन रखा हुआ है जो कि हमारे पास ये 2VHK के फ्लैट का रहेगा। इसी टाइप से हमारे पास बैक साइड में पोर्शन रहेगा जो कि हमारे पास एज इट इज 2VHK के फ्लैट रहेगा। जैसा हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर में था वही हमारे पास एज इट इज अपने फर्स्ट फ्लोर में भी रहने वाला है। ये हमारे पास अपने फर्स्ट फ्लोर में भी एज इट इज रहने वाला है। एक हमारे पास बेडरूम है, सेकंड हमारे पास यहाँ बेडरूम है, थर्ड हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग रूम का डिज़ाइन है। यहाँ पर हमारे पास अपना फ्रेंड्स एक किचन का डिज़ाइन है। ये जो हमारा बेडरूम है इसमें हमने यहाँ पर डोर रखा हुआ है जो कि हमारे पास से बालकनी में जाएगा। ये हमारे पास अपने बैक साइड में बालकनी रहने वाली है, काफ़ी बड़े साइज की बालकनी है। तो बैक साइड में आने के लिए जो हमारी बालकनी डिज़ाइन है, इस बालकनी में जी हमें आना है तो इस वाले बेडरूम में जो हमने डोर दिया हुआ है इस डोर के थ्रू आ सकते हैं। तो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं हमारे पास इसमें दो बेडरूम हैं, ड्राइंग रूम है, टॉयलेट है, किचन है, ये हमारे पास अपना लॉबी वाला एरिया है। बाकी हमने यहाँ पर भी एक बालकनी का डिज़ाइन रखा हुआ है, ये हमारे पास अपना एक और बालकनी रहेगी। और इस बालकनी में आने के लिए भी हमने इस वाले बेडरूम से डोर रखा हुआ है, ये हमारे पास अपना बेडरूम है, इस बेडरूम से हमने यहाँ पर डोर दिया हुआ है तो इस डोर के थ्रू हम अपनी इस बालकनी में भी आ सकते हैं। बाकी चलते हैं अपने फ्रंट वाले पोर्शन की तरफ। ये हमारे पास अपने फ्रंट वाला पोर्शन रहेगा, आप इसको अच्छे से देखेंगे। ये हमारे पास अपना लॉबी का डिज़ाइन है, ये हमारे पास अपना कॉमन टॉयलेट है और ये जो हमारा टॉयलेट है फ्रेंड्स, इस टॉयलेट के अंदर भी हमने वायरिंग एरिया को और टॉयलेट सीट दोनों को इसके अंदर भी हमने कम्बाइंड ही रखा हुआ है। ये हमारे पास अपना फ्रेंड्स बेडरूम का डिज़ाइन है, ये हमारा बेडरूम रहेगा, यहाँ पर हमारा किचन का डिज़ाइन है। ये जो बेडरूम है ये वाला, इस वाले बेडरूम में भी आप देखेंगे कि हमने फ्रंट माने के लिए बालकनी का प्रोविजन रखा हुआ है, एक बड़े साइज की हमारी बालकनी है। और यहाँ पर भी हमने एक बेडरूम का प्रोविजन रखा हुआ है, ये हमारे पास अपना सेकंड नंबर का बेडरूम है। और यहाँ पर हमें मिलने वाला है अपना ड्राइंग रूम का डिज़ाइन, ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना ड्राइंग रूम का डिज़ाइन रहेगा। ये जो हमारा बेडरूम है, इस बेडरूम से हमने बालकनी माने के लिए यहाँ पर भी डोर रखा हुआ है, आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। और ये हमारे पास अपनी बालकनी रहेगी जो कि हमारी सेपरेट इस वाले बेडरूम के लिए बालकनी है। इसी टाइप से ये हमारे बेडरूम है, इस वाले बेडरूम के लिए हमारी ये सेपरेट बालकनी है। सेम चीज़ें हमारे पास अपने बैक साइड वाले पोर्शन में भी हैं। ये जो बेडरूम है इसके साथ हमारे पास ये सेपरेट बालकनी है और ये जो हमारे बेडरूम है इसके साथ हमारे पास ये सेपरेट बालकनी है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से 3D में प्लान है जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट फ्लोर पर भी हमारे पास इसमें 2VHK के दो फ्लैट हैं और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास 2VHK का एक फ्लैट है और एक हॉल है। बाकी हमारे पास ये अपना डिज़ाइन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी शानदार हमारा ये मॉडल है, 3D में हमारा डिज़ाइन है। तो यदि फ्रेंड्स आप भी हमसे अपना कोई भी डिज़ाइन आप हमसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप भी हमसे इसी तरीके से कोई भी मॉडर्न डिज़ाइन, लेटेस्ट डिज़ाइन और कोई भी विला टाइप का डिज़ाइन यदि आपको कराना है तो आप हमें करा सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा आज का मॉडल है, आज का डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।